नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC ग्रु। रेलवे JEE 26 मई के पहले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंच पाया हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। 100% रियल आपको क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आज आपका यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था। और यही रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पजल, कोडिंग रिकॉर्डिंग, वेन डायग्राम, सेल्युलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिस्टेंट डायरेक्शन, एनालॉगी, ऑड एंड आउट, इससे आपका सवाल आज पूछा गया था। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में आपका HCF NLCM, एज, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्रिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा से आपका सवाल पूछा गया था मैथ में। यहीं अगर हम जीके की बात करें तो आपका जीके से जो सवाल पूछा गया था वो आपका यहां पे देख सकते हैं क्लियरली। तो हिस्ट्री से आपका सवाल था, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आपका सवाल था, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, उसके बाद डाइजेशन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन, इसके रिगार्डिंग सवाल था। SI यूनिट से आज सवाल पूछा गया था आपका। पीरियोडिक टेबल से आपका लगातार सवाल पूछा जा रहा था आपका, आज भी यहां पे सवाल पूछा गया था। तो यहीं स्नेल्स लॉ से रिलेटेड आपका सवाल था। उसके बाद यहाँ पे आपका पॉलिटी से सवाल था और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से 102 सवाल पूछा गया था, हालांकि यहाँ पे वेटेज इसका कम था। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं प्रश्न का, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था पहले शिफ्ट में। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका पानी से टंकी से जुड़ा एक सवाल आपका पूछा गया था। तो वहीं चीनी में कुछ परसेंटेज की इंक्रीज हुआ है तो उसका जो आपका खपत है यानी कंजप्शन है वो आपका बताना था, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपका सवाल पूछा गया था। उसके बाद आपका यहाँ पे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ था, उसके बाद रेट भी आपका दिया हुआ था, और उसके बाद समय आपका 2 साल यहाँ पे दिया गया था और आपको कुल धन राशि बताना था, ये आपका सवाल आपसे पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका HCF से रिलेटेड था। यहाँ पे आपका 72 और 90 का HCF आपको बताना था। इसका अगर आंसर की बात करें तो आपका इसका 18 हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका समलम चतुर्भुज से एक सवाल पूछा गया था, समलम चतुर्भुज से आपका एक सवाल था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मास से भी सवाल था, बोर्ड मास से भी आपका सवाल पूछा गया था। आपको बता दें बोर्ड मास से लगातार आपका सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद आगे हम बात करें अगर तो आयु से भी एक सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पे एज से रिलेटेड सवाल आपका एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपका जो अगला सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रिगार्डिंग। तो लोकसभा का जो पहले अध्यक्ष है वो है JV मालकर, यहाँ पे आप याद कर लो इसको, JV मालवंकर, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सवाल था, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कार्यावधि 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं तो जो आपका अगला सवाल था वो आपका था अधिक अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का नाम, मतलब कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेवा किया है। तो यहाँ पे ज्योति बसु, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला सवाल आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कॉपर सल्फेट के विलयन से जुड़ा आपका जो सवाल था। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर विलयन सल्फेट से जुड़ा आपका सवाल पूछा गया था, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका एक सवाल पूछा गया था हाइपरमेट्रोपिया से जुड़ा, यानी कि दूरदृष्टि 2 से जुड़ा आपका सवाल पूछा गया था। तो आप हाइपरमेट्रोपिया, जितने भी मेट्रोपिया होते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया से सवाल आपका पूछा गया था। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो आपका अगला जो सवाल पूछा गया था वो आपका टाइम एंड वर्क से था। एक सवाल यहां पे रीड करते हैं डायरेक्टली जल्दी से हम, उसके बाद यहां पे आपको बताते हैं। तो जो आपका सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था, यहां पे आपको दिखा रहे हैं, क्लियरली दिख भी रहा होगा, इफ ABCD प्राइस ऑफ वर्क इन 18, 15, 10, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क। मतलब सिंपली आपको इसका रेशियो, इसको बनाने का जो मेथड होता है जल्दी से आपको बता देते हैं। सिंपली आप यहां पे देखो, ए है 18, बी है आपका यहां पे 15 और यहाँ पे सी है 10। इसका LCM ले लो तो इसका LCM हो जाएगा 18, 15, 10 का, यहाँ पे LCM हो जाएगा 90। इसका अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 9, यानी कि 5, 6, 9। यहाँ पे देखो आप कैंसिल आउट हो रहा, नहीं हो रहा, तो फिर आपका ये रेशियो हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पे आप इसको आसानी से बना सकते थे। उसके बाद आपका जो अगला सवाल आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था दर्पण से जुड़ा सवाल, यानी कि यहाँ पे लगातार मिरर से जुड़ा सवाल पूछा जा रहा है। हाइपरमेट्रोपिया से भी सवाल पूछा गया था और यहाँ दर्पण से जुड़ा आपका सवाल पूछा गया था। तो यही न्यूटन के नियम से भी जुड़ा सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया था पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। उसके बाद यहां पे आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था
फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म तो CHCl3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था फर्स्ट वोमेन CM ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला CM कौन है, मतलब ये आपसे सवाल पूछा गया था, तो सुचिता कालपानी और यहाँ पे सुचिता कृपलानी और उसके बाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था, बहुत ही इजी सवाल था, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लोकेटेड, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये आपसे सवाल पूछा गया था, तो वाराणसी में है, वाराणसी आपका यूपी में आता है, यूपी आपका इंडिया में आता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बनारसी लोकेटेड कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में आपका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आपका अगला जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था बहुत ही ईजी था, अलजबरा से रिलेटेड सवाल था, आपका सवाल था x + 1/x = 2 देन द फाइंड अ वैल्यू x^19 + 1/x^110, इस तरह से सवाल था, बहुत ही मतलब ईजी है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड है, सिंपली आपको x = 1 और यहाँ पे आपको सिंपली आप पुट करिएगा जब डायरेक्टली, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा 1 + 1/1 = 2, तो यानी कि सिंपली आप x की वैल्यू 1 रख दो, फिर वहां से आप इसको से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष से जुड़ा भी एक सवाल आपसे पूछा गया था, उसके बाद पेंडुलम से जुड़ा सवाल आपसे पूछा गया था, उसके बाद आपका यहाँ पे विद्युत का कुछ चालक से रिलेटेड सवाल था, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे सीसा हो जाएगा, और यहाँ पे अपना राइट आंसर आप सीसा क्लिक कर सकते थे। कैंडिडा, कैंडेला किसका मात्रक है, ये आपसे सवाल पूछा गया था, SI यूनिट से रिगार्डिंग सवाल आपका लगातार पूछा जा रहा है, तो ज्योति तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपका एक मैथ का सवाल था यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा एग्जिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका इसी तरह से सवाल पूछा गया था, 7 + √2 = x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है, आप उसको अपनाइएगा, जब आप इसको 1/x कीजिएगा तो 7 + √2 है, यहाँ पे 7 + - हो जाएगा, उसके बाद जब ये कैंसिल आउट हो गया आपका बहुत ही इजी आपका बन जाएगा, आपका एक बहुत ही इसका शॉर्ट मेथड होता है, आपको हम कभी आने वाले वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक आया था 10A = यहाँ पे 1/2, 10B = 10A/B आपका पूछा था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उससे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका आपका अगला सवाल पूछा गया था, आपका यहाँ पे 196 था, उसके बाद आपका 36 था, उसके बाद 144 था, तो आपको अगला वैल्यू बताना था, ये आपका रीजनिंग का सवाल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। आप कौन सा पैटर्न फॉलो और आप इसको देख करके इसको आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको बताना चाहते हैं एक चीज, आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका सिंपली आपका जो होगा 8 का स्क्वायर राइट आंसर इसका राइट आंसर, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका था अगला सवाल HZAANFDKH, ये आपका सवाल पूछा गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो कि यहाँ पे एच है, उसके बाद HZAA बन जा रहा है, NFDK बन जा रहा है, तो HZ फिर क्या बनेगा, तो इस तरह से आप इसको आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बता दें आपका एक यहाँ पे SI से रिलेटेड सवाल था आपका, सिंपली यहाँ पे आपका SI जो था वो आपका 5% आपका गिवन था, उसके बाद आपका टाइम भी गिवन था, उसके बाद आपको यहाँ पे मूलधन बताना था, तो बहुत ही ईजी सवाल था आपका, इस तरह से आपका पूछा जा रहा है लगातार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आपको बता दें जितना भी आज सवाल आपसे पूछा गया हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया, और दोबारा से आपको एक बार हम बता देना चाहते हैं इसका जो पैटर्न था आपका मैथ का क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आपको यहाँ पता चल पाएगा। तो फिर से बता देना चाहते हैं यहाँ पर जो HCFLCM से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, आज आपका पूछा गया था, उसके बाद यहाँ पे टाइम एंड स्पीड से डिस्टेंस से यहाँ पे सवाल था, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, अलजबरा, अलजबरा से भी सवाल था, और यहाँ पे मैंने आपको बताया अलजबरा से क्या सवाल था, तो x = दिया था 7 + √2 1/x, इसको निकालोगे तो यहाँ पे 7 माइनस हो जाता है, उसके बाद ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको बता देंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद आपका जो यहाँ पे रीजनिंग से सवाल था वो आपका ये था, स्टार्टिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकली सीरीज, काउंटिंग फिगर, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सेलुलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिस्टेंट डायरेक्शन, एनालॉगी, ऑड एंड आउट, ये आपका सवाल पूछा गया था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसको एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना जो भी अगर प्रिपरेशन होगा आपका तो आगे यहाँ पे आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा चला जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, मैंने ऑल ओवर बताया आपका, और आज पेपर का लेवल की बात करें तो
पेपर का लेवल आज आपका यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया था। तो जो भी आज यहाँ पे 26 मई के आपका जो पहले शिफ्ट में परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, वो मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें जवाब दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं 8505935433। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं जब भी आपका पेपर हो तो। ओके, बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो।